हेलो दोस्तों, मैं पंकज धवानिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि अल्टरनेटर में लोड के डायोड में चेक कैसे करते हैं, करंट बना रहा नहीं बना रहा, और नेगेटिव पॉजिटिव बताऊंगा मैं। ये आप देख रहे हैं सामने 7.5 किलो वाट की स्ट्रिप है, इसमें डायोड लगे हुए हैं। और ये आप देखें, माइनस इधर है, प्लस इधर है, दोनों साइड निशान लगे हुए हैं। माइनस प्लस किधर है आप जो देख सकते हैं। और हम इसमें आपको बताएंगे, ये साइड वाली जो प्लेट होती है वो डायोड प्लेट होती है, जो हमारे अल्टरनेटर का करंट का लोड लेते हैं, जितना भी लोड हम गेरते हैं। जो ऊपर के डायोड होते हैं वो हमारे बस लाइट बनाने का काम करते हैं, और जो नीचे के होते हैं वो लोड का काम होता है। बाई चांस कभी हमारे लाइट फूक जाती है, डायोड फूक जाते हैं, तो हमारे उल्टे सीधे का पता नहीं पता नहीं चलता क्या दिक्कत हो रही है, और हम चेक नहीं कर पाते। तो हम जो आपको बता रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, इधर ऐसा निशान है तो फील्ड के तार लगेंगे, इधर जो मोटी वाली फील्ड के होते हैं अल्टरनेटर के। और ये आप देख सकते हैं, ये दूसरी तरफ दिखाएंगे हम, ये दूसरी तरफ है, जो इस तरह का निशान होता है ये लगेंगे, कैंची से आते हैं। एक तार सीधा ऊपर से आता है डायरेक्ट, और एक आता है कैंची से, जो इसकी स्लिपलिंग होती है उस पर से आता है। ये इसमें लग जाता है तो इसमें सीरीज के द्वारा जाता है ये ऊपर स्लिपलिंग से, तो उसमें ऊपर करंट जाता है, जिससे कि ऊपर से करंट आके और मेन मेन सप्लाई के लोड के तार इसमें लगते हैं। एक तार इसमें लगता है और एक जो डायरेक्ट आता है एक उसमें लगता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से लग रहे हैं। और हम आपको ये दिखाते हैं, ये इस तरह से तार लगे हैं, जो इनसे काले वाले हमने लगाए हैं, ये फील्ड के तार है। हम इन्हें पास पास करके भी लगा सकते हैं, दूर दूर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सिंबल दिखाया था आपको कैसे इसमें लगा हुआ है, और वो उसी तरह से हम आपको लगाना है, ठीक है जी। इसी वजह से इसी ये कई बार ऐसा होता है कि जब हम लगाते हैं तो गलत लग जाता है, उल्टा सीधा का फ़र्क होता है इसमें। फील्ड के जो तार होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, जो उल्टे सीधे करंट नहीं बना रहा है तो उल्टा पलट के लगा दो, करंट जिस तरफ से नहीं बना रहा तो उस तरफ पलट के लगा दो, तो आपका माइनस प्लस पता चल जाएगा, ठीक है जी। और ये आप ये देख सकते हैं, हम दूसरी तरफ दिखाएंगे, ये आप देखें, ये देखें, ये इधर हमने इस तरह जिस साइड इस तरह का सिंबल हो, ये एक तरफ जो दो तार जुड़ रहे हैं, एक तरफ दो तार जुड़ रहे हों, तो इसमें हम फील्ड के तार लगाएंगे, जो हमारे फील्ड के तार होते हैं वो लगेंगे, ठीक है जी, जिससे कि हम इसमें आसानी रहे। इसी वजह से मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, और आने वाली वीडियो में आपको मीटर से चेक करके हर तरह का वोल्टेज आपको दिखाऊँगा कि कितने वोल्ट यहाँ आने चाहिए, कितने उसके आपका सही रहता है। ये आप देखें, ये दूसरी तरफ का सिंबल दिखाऊँगा मैं आपको, ये देखें, ये आप देखें, ये दूसरी तरफ का सिंबल है, इस तरफ ऐसे निशान होता है, इधर कैंची से और एक तार ऊपर से डायरेक्ट आता है, ये तार इधर लगते हैं। इसमें आपकी स्ट्रिप छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डायोड लगाने का तरीका सबका एक जैसे होता है। एक तरफ एक साइड में जैसे हो गया, इसके दो चार पॉइंट हैं, तो दो आपके इससे एक साइड प्लस लगेंगे और दो एक साइड प्लस लगेंगे, और इसमें 12 हुआ तो एक साइड 6 प्लस लगे, एक साइड 6, मतलब आधे आधे का फ़र्क। ऐसे हम इसमें स्ट्रिप में तार लगाते हैं, लोड की तार है, तो आप हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमारा कैसे चल रहा है कैसे नहीं। और हम कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि बाय चांस हमारा नीचे डायोड हम ज़्यादा होते हैं तो हम चेक नहीं कर पाते, तो हम ये हमारे जो कैंची के तार हैं हम उन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, उसमें आपस में शॉर्ट करके, आपस में शॉर्ट करने के बाद इसमें हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारा ऊपर के तार लाइट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। एक बल्ब होल्डर ले सकते हैं जिससे कि हम चेक कर सकते हैं, ओनली चेक के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो मतलब जो ज़्यादा जो थोड़ा समझदार हैं या मिस्त्री होते हैं वो ही चेक करके देखें, ऐसे और कोई ना देखें इस चेक करके। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि ऊपर ओल्ड बल्ब होल्डर के तार जोड़ दें, फिर जनरेटर स्टार्ट करें, फिर आप चेक कर सकते हैं कि हमारी सप्लाई आ रही है नीचे के कैंची के तार जोड़ के। और सब्सक्राइब करें पंकज धवानिया चैनल को इस लाल बटन को दबा के, और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मैसेज पाएं अपने मोबाइल पे इस बेल आइकन को दबा के।